हरियाणा के सोनीपत स्थित खेल विश्वविद्यालय राई में हरियाणा सरकार द्वारा जनहित में निर्णय लिया गया है। अब खेलों में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी विश्वविद्यालय से किया जा सकेगा। ये नोटिफिकेशन सरकार द्वारा जारी कर दिया है। यह जानकारी विश्वविद्यालय के VC अशोक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शनिवार को दी है। इस दौरान उन्होंने बताया कि नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल ग्वालियर या फिर देश में किसी भी अन्य UGC मान्यता प्राप्त स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी द्वारा जारी स्पोर्ट्स कोचिंग में डिप्लोमा के बराबर माना जाएगा। जरूर खेल पाएंगे, हमें इसी साल मार्च में UGC की एप्लीकेशन मिल गई है और अप्रैल में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज के हम मेम्बर बन गए, तो उसके मेंबर बनते ही इस साल से हम इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन के लिए एलिजिबल हैं। हम हर खेल में भाग लेंगे और जो हमारे यहाँ बच्चे एडमिशन लेंगे उनको इंटर यूनिवर्सिटी में भाग लेने का मौका मिलेगा। हमें एक्ट के हिसाब से किसी भी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को, स्पोर्ट्स कॉलेज को मान्यता देने का फुल प्रोविज़न है। तो अगर हमें कोई अप्रोच करता है प्राइवेट या गवर्नमेंट संस्थान जो स्पोर्ट्स में डिग्रियाँ देना चाहता है, स्पोर्ट्स में पढ़ाई कराना चाहता है, कोचिंग, तो उसको हम मान्यता दे सकते हैं। और इस साल 500 बच्चों के एडमिशन का टारगेट है और इसमें हमने 3 तरह के कोर्सेज किए हैं। पहला है ग्रेजुएशन कोर्स, 12वीं पास, जो 12वीं पास बच्चा है उसको स्पोर्ट्स की डिग्री देंगे। आमतौर पे प्राइवेट डिग्री ही स्पोर्ट्स में होगी। पहली डिग्री है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स और दूसरी डिग्री है BSc स्पोर्ट्स साइंस। तो दोनों के दोनों में बच्चा स्पोर्ट्स सीख रहा है, हर कुछ स्पोर्ट्स की स्किल कैसे होती है, स्ट्रेंथ कैसे होती है, उसका न्यूट्रिशन क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी इंजरी कैसे मैनेज करना है, ये सारे हमारे कोर्सेज का पार्ट होंगे। और इन्हीं में एक कोर्स हमने उन बच्चों के लिए किया है BPS हाइब्रिड करके, जो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं, जो कैंपों में होते हैं, जो टूर्नामेंट्स में ज़्यादा रहते हैं, तो उनको जिससे कि अटेंडेंस में प्रॉब्लम होती है तो उनको इसमें जिससे माफ़ की जा सकती है कुछ पीरियड के लिए अटेंडेंस को उसको। तो स्पोर्ट्स कोचिंग में हमने 12 फील्ड लिए हैं, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, कुश्ती, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, ऐसे 12 फील्ड में इस साल शुरू कर रहे हैं स्पोर्ट्स कोचिंग का डिप्लोमा और स्पोर्ट्स साइंस का डिप्लोमा। उसमें है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। तो इतने कोर्सेज का एक साल का डिप्लोमा होगा ये। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा पर्पज़ करने का ये था कि कल ही हरियाणा गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाली है जिसके अनुसार हमारा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग वो NIS के समकक्ष होगा। जो ग्वालियर यूनिवर्सिटी उससे किए हुए थे जिन्होंने, वो लोग जब वहाँ पे हरियाणा में भर्ती हो गए तो बाद में उनको हटा दिया गया क्योंकि उनको NIS नहीं माना गया, ठीक है। तो हमारे जो हम जब हमारे बच्चों का जो एडमिशन होना था उस एडमिशन के टाइम पे उनमें ये एक प्रकार से जिज्ञासा थी कि कहीं हमारे साथ भी ऐसा हो गया तो फिर इस कोर्स करने का क्या फ़ायदा। तो ये NIS पटियाला के, NIS बंगलोर के समकक्ष करके हरियाणा सरकार ने यूनिवर्सिटी के इस डिप्लोमा की वैल्यू बढ़ गई है। तो इसके बेसिस पे हमने, इसलिए हमारी जो दूसरा पर्पज़ ये है कि जो हमारी एडमिशन की लास्ट डेट 21 जून थी उसको हमने बढ़ा के 15 जुलाई कर दिया, क्योंकि लोगों को पता चलेगा अब ज़्यादा लोग एडमिशन लेना चाहेंगे, ज़्यादा कंपटीशन होगा। तो आपको पता ही है कि पहले हमारी यूनिवर्सिटी को इसी मार्च अप्रैल में जो है UGC एफिलिएशन में मिल चुका है। तो जितने भी जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल हो सकता था इस नोटिफिकेशन के साथ यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड NIS के, यूनिवर्सिटी के जो कोचिंग कोर्स को NIS के समकक्ष माने जाने से हमें बहुत फ़ायदा हुआ और हमारे जो एडमिशन लेने वाले बच्चे उनका भी बहुत फ़ायदा होगा।